पीलीभीत को पेरिस में बदल देता, मैं इतनी योजना ले आता। पीलीभीत में बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने इस बार वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को टिकट दिया है। माना जा रहा था कि बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली सीट पर मुकाबला एकतरफा होगा, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे मुकाबला कड़ा होता जा रहा है। सपा की ओर से पूर्व विधायक भगवत शरण गंगवार चुनावी मैदान में है, तो बीएसपी की ओर से पूर्व मंत्री अनीज अहमद खां चुनावी ताल ठोक रहे हैं। जितिन एक तरफ जाति समीकरण में उलझे नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष जितिन प्रसाद को बड़बोला बता रहा है। हाल ही में जितिन का नुक्कड़ सभा में दिया गया एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें जितिन ने कहा था, अगर मुझे पता होता कि मुझे पीलीभीत से चुनाव लड़ना है तो मैं पीलीभीत को मुंबई बना देता। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा था। अखिलेश ने मुंबई वाला बयान सामने आने के बाद एक्स पर लिखा और इससे सिर्फ एक सियासी जुमला करार दिया। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष ने पीलीभीत में आयोजित एक जनसभा के दौरान कहा कि मुंबई में तो नाच गाना भी होता है, आखिर बीजेपी के प्रत्याशी कौन सा मुंबई बनाना चाहते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूपी सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री और बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी पर भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगाया। लेकिन जितिन प्रसाद बेफिक्र हैं, एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया और एक कदम आगे बढ़ते हुए एक जनसभा में कहा कि वो पीलीभीत को पेरिस बना देंगे। मुंबई वाले बयान की तरह जितिन ने अपना बयान दोहराते हुए कहा कि मुझे पता नहीं था कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा, वरना इस इलाके को मैं पेरिस बना देता। तो पीलीभीत को पेरिस में बदल देता, मैं इतनी योजना ले आता। इसको आगे करा जाएगा, एक डबल इंजन चल रहा है मोदी जी और योगी जी का। वहीं जितिन प्रसाद के रवैये को लेकर पीलीभीत में बीजेपी के कई नेता नाराज हो गए। दरअसल बीजेपी के कई सभासदों ने जितिन प्रसाद के रवैये से नाराज होकर चुनाव ना लड़ाने का ऐलान कर दिया है। सभासदों का आरोप है कि जितिन किसी भी सभासद को नहीं पहचानते हैं और ना ही किसी को सम्मान देते हैं। जितिन के चुनाव में बाहरी लोगों का कब्जा है, इसी के चलते सभासदों की लगातार अनदेखी की जा रही है। पीलीभीत नगर पालिका से बीजेपी की सभासद सुनीता सिंह के आवास पर नगर पालिका परिषद के दर्जन भर से ज्यादा सभासद एकत्रित हुए, जहां सभी ने रणनीति बनाते हुए कहा कि सभासद रात दिन मेहनत कर जितिन प्रसाद को लोकसभा चुनाव लड़ा रहे हैं, लेकिन बाहर से चुनाव की जिम्मेदारी संभालने वाले उनको भाव नहीं देते हैं। यहाँ प्रत्याशी से लेकर चुनाव की कमान संभालने वाले नेता भी उनको पहचानते नहीं है, जिसके कारण दर्जनों सभासदों ने जितिन प्रसाद के चुनाव से किनारा करने का ऐलान कर दिया है। हम लोग इसलिए एकत्र हुए हैं कि हम लोग पिछले एक महीने से अपने भारतीय जनता पार्टी को के प्रत्याशी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सुबह से निकलते हैं, पहले डोर टू डोर कन्वर्सेशन करते हैं, उसके बाद लोगों को नुक्कड़ सभाओं के लिए एकत्र करना, झंडे लगवाना, प्रचार सामग्री लेके आना, सब घरों में बांटना, सब काम कर रहे हैं। लेकिन किसी भी सभासद को हम लोग कार्यालय पहुँचते हैं, जो हमारे नेता, जो हमारे प्रभारी लोग आए हुए हैं, वो हम लोग को जानते तक नहीं है कि ये कौन है। हम लोग पार्टी में सम्मानित मिल गया, 19 तारीख को हम मोदी को वोट जरूर देंगे, पर हम लोग घर बैठे हुए चुनाव नहीं लड़ा रहा कोई भी, आराम से नाम लोगों सम्मानित मिल पा रहे हैं। आपको बता दें कि जितिन प्रसाद अभी योगी सरकार में रसूख वाले विभाग पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं और उन्होंने कांग्रेस से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। जितिन को राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। जितिन ने 2004 का लोकसभा चुनाव शाहजहांपुर से लड़ा था और पहली बार सांसद बने थे। 2009 में जितिन दूसरी बार धौरहरा से सांसद चुने गए। जितिन मनमोहन सिंह कैबिनेट में सबसे कम उम्र के मंत्रियों में से एक थे। 9 जून 2021 में जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। बहरहाल पीलीभीत सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गई है। वरुण गांधी भले ही टिकट कट जाने पर विरोध नहीं कर रहे हों, लेकिन उनकी खामोशी और पीलीभीत में हुई पीएम मोदी की रैली से उनकी गैरहाजिरी ने पार्टी की बेचैनी बढ़ा दी है। ऐसे में जितिन प्रसाद की चुनावी नैया अधर में लटकी हुई नजर आ रही है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो ये देखना दिलचस्प होगा कि पीलीभीत से किसकी जीत होती है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।